अस्सलामु अलैकुम। मैं सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले भी सब ठीक ठाक होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज जी हम क्या लेकर आए, ये एक अच्छा सवाल है। आज हम ज़ीशान रोकड़ी जो हैं उनका एक दीदार के साथ ट्रैक आया है, ठीक है, उसको लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे जो निस्बतन रीजनल ट्रैक्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा देखे जा रहे हैं, उनकी तरफ थोड़ी सी लोगों की ज़्यादा नज़रे करम हो जाता है। तो और वो भी ज़ाहिर है हमारा ही अपना ही इंडस्ट्री का पार्ट है, तो उसके ऊपर भी किसी न किसी को या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो उस हवाले से हम लोग ज़ीशान रोकड़ी का जो ट्रैक है, मेरे ख्याल में इनका हम पहला ट्रैक है जिसको करने लगे हैं। आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए, आप चाहें कि हम इनके और गानों पर भी करें तो लाजमी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो करें शुरू। ड्रेस कुछ समझ आ रहा है क्या है इसका? मिनता करे से पेरे विधा से, मिनता करे से पेरे विधा से, हुण मैं नया सा तू आप या से, हुण मैं नया सा के अल्लाह चा यारी ना
हाँ जी, हाँ कैसा जी लगा आपको? अच्छा लगा, मुझे अंदर से कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया। आप बताएं। ठीक था ट्रैक, इतना इतना अच्छा था ना बुरा था, पर मुझे वही जैसे इख्तलाफ होता कई चीज़ों के। ऑल दो दीदार के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट हैं पुराने और उनका नाम एक है स्टेज के ऊपर भी है, और वैसे भी डांस के उससे रेलिवेंस के अंदर भी उनका काफ़ी नाम है और काफ़ी अच्छा है। लेकिन कई चीज़ें थी, अब जैसे वो ड्रेस था उसकी वो नहीं थी, लॉजिक नहीं थी बन रही है, उसकी समझ नहीं थी आ रही। ठीक है, अगर डांसिंग उसमें भी देखा जाए तो वो इतने जो वो जो उसकी लेयर्स थी उसके अंदर कई चीज़ें तो पता ही नहीं ना चलती, कई मूवमेंट्स होती हैं वो तो बिल्कुल छुप जाती हैं, पता ही नहीं चलती। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि कोई इतनी इनके बेहतर हो सकती थी अगर प्रॉपरली होता, क्योंकि ये बेसिकली जो जहाँ तक मुझे फील हुआ ये कोलैबोरेशन के अंदर हुआ था। नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि दो तरीके होते हैं ट्रैक्स जो बन रहे होते हैं, एक होता है कोलैबोरेशन के अंदर, कोलैबोरेशन के अंदर होता है कि आप भी आ जाएं हम भी आ जाते हैं, हम मिलके एक चीज़ बना लेंगे। तो उस चीज़ के अंदर फिर ये होता है कि दोनों की फिर मर्जी होती है। एक होता है कि आप एज एन मॉडल किसी को लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर सारी जो उसकी ड्रेसिंग हर एक चीज़ वो होती है आपका डायरेक्टर या आप खुद जो भी यानी उसके जो भी उसको डिज़ाइन कर रहा है तो वो एक मुश्तरका उसके साथ डिज़ाइन किया जाता है कि यार इसकी ये होगी, इसका ये कलर होगा, इस तरह से होगा, ये ड्रेसिंग इस तरह से होगी। तो वो कुछ चीज़ें थी जो मुझे नज़र आईं के थोड़ी ऑड फील है। बाकी वैसे हाँ, जो पहना हुआ था उसने वो शॉर्ट था नीचे से ऊपर वो लंबी सी एक लेयर्स वो जो थी ना वो आंखों को बेसिकली ना उलझा रही होती हैं जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं, जिस वजह से आप नोट करेंगे कि जो मोस्टली इंडिया के अंदर भी या पाकिस्तान के भी जो गाने होते हैं जिनके अंदर डांसेस हो रहे होते हैं उसके अंदर जो डांसर्स होते हैं या जो परफॉर्मर होता है उसका एक कलर का ड्रेस होता है। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक ही ये होती है कि वो वन कलर है ना तो आपकी नज़र जो वो फिरेगी नहीं उस तरह से, फिरेगी नहीं बिल्कुल। आपकी कंसंट्रेशन जो जिस चीज़ पे आप रखना चाहते हैं, एक मिसाल है डांस के ऊपर रखना चाहते हैं तो डांस पे कंसंट्रेशन रहेगी, अगर आप शक्ल पे रखना चाहेंगे तो शक्ल पे कंसंट्रेशन रहेगी। वो ड्रेस जो है अगर वो होगा ना वाइब्रेंट सी या चेंज हो रहे होंगे कलर्स इस तरह की चीज़ें होंगी ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो आपकी अटेंशन होती है वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी आपको गाने की फिर फील या वो जो चीज़ जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो आप तक ट्रांसलेट नहीं हो रही होती। तो ये एक छोटा सा जो मुझे फ्लॉ या कह सकते हैं कि एक चीज़ नज़र आई। बाकी ये था कि वो शादी वाला एक माहौल जो शादी से रेलिवेंट था, क्योंकि ज़ीशान जो हैं ये खुद भी जो रीजनल उसके अंदर शादियों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा इनका शादियों का जो होता है ना इवेंट्स वगैरह वो इनके होते हैं, तो उससे रेलिवेंट ये गाना उनका काफ़ी माशाल्लाह अच्छा है और चलेगा भी इंशाल्लाह। तो ये तो था मेरा एंगल। ठीक है, ज़ीशान की हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी, आई हैव सीन हिम फर्स्ट टाइम। ठीक है, लुक्स भी उनकी अच्छी हैं, नॉर्मली जो सराई के सिंगर्स होते हैं उनसे बहुत बेहतर हैं देखने में, यानी कि एक वो नहीं लगता कि इनको उसके नेक्स्ट स्टार की लुक आती, ही नीड सम पॉलिशिंग। तो अगर वो जो फील्ड की पॉलिशिंग होती है वो उनकी हो जाती है तो उनकी जो अपेयरेंस है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि वो स्टाइल अच्छा था, यानी कि एक होता है ना मैस्कुलिन होने के साथ साथ जो आपके अंदर यानी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो भी है, तो वो वाली चीज़ थी उसके अंदर। तो स्माइल उनकी प्यारी है और इस तरह के देखने में वो अच्छे हैं, इनके शक्ल और सूरत के माशाल्लाह खूबसूरत हैं। तो ये तो था मेरा एंगल। ठीक है, आप अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें। अच्छा था गाना, मुझे बताया आपको पहले भी कि मुझे थोड़ा बहुत अंदर से समझ नहीं आया, सराइकी का था ना इस वजह से, लेकिन गाना अच्छा था, ट्रेंडिंग पे भी जा रहा है और आजकल शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, नहीं चल रहा था ये बीच में रमजान का छोटा सा ब्रेक था ना, तो उसमें भी ये ऑब्वियसली आएगा इंशाल्लाह। तो ये तो था जी हमारा आज का रिएक्शन, आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और अगर आप कुछ इस्लाह करना चाहें तो हमारे कमेंट्स का खुला हुआ है, उधर आप बता सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।